तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एम के मोनू ब्लॉग में। तो फिर से आज हम लोग मसान थाना पहुंच गए हैं। मसान थाना पे आप लोग को बता दें कि हम गंडक नदी के किनारे हैं, जो ऐतिहासिक में गोपालगंज का सबसे बड़ा नदी है गंडक नदी। आप लोग देख रहे हैं उसके किनारे हम खड़े हैं, और आज हमारे साथ है करण और हमारे फूफा जी हैं जो हमको घुमाने के लिए लेके आए हैं। तो आज चलते हैं गंडक नदी के किनारे, घूमते हैं और चलेंगे, आप लोगों को जो भी यहाँ का चीज़ है सारे दिखाएंगे, तो वीडियो में बने रहें। नदी है, देख रहे हैं आप लोग, देख नहीं सकते इतना ज़्यादा, मतलब बहुत दूर तक हम लोगों को नहीं दिख रहा, तो आप लोगों को क्या दिखेगा, देखिए। और यहाँ थोड़ा सा ऐसे भरा गया है जैसे यहाँ पर छठ पूजा होता है, तो सीढ़िया वगैरह बनाया हुआ है यहाँ, जैसे बालू वालू भर के यहाँ से थोड़ा सा बनाए गए हैं पानी रोकने के लिए, क्योंकि आस पास में गाँव है। देखिए आप लोग इधर देख रहे हैं जहाँ कलश यात्रा उठा था, इसी मंदिर से उठा था, आप लोग देख रहे हैं, और उसके पीछे जो है ये गंडक नदी है। तो आप लोगों को चलिए आज ये नदी के किनारे घुमाते हैं और दिखाते हैं नदी का नज़ारा। हम वो बर्तनी चक्रोहन तो यहाँ देख रहे हैं दोस्तों आप लोग की बोरी में भर भर कर, देखिए किस तरीके से जो है पानी रोकने के लिए बनाया गया है। इसलिए बनाया गया कि इधर बगल में गांव है, और गांव में ये बांध टूट ना जाए, किसी वजह से पानी अंदर ना चला जाए, इसके वजह से देखिए सरकार जो है कितना इतना इंतजाम किया हुआ है। देखिए पत्थर बोरी में भर भर कर जो भी चीज़ रखा है, ताकि ये जो है नदी, ये बांध जो है टूटे ना, कटे ना। देखिए तो दोस्तों अभी हम लोग चल रहे हैं गंडक नदी के ऊपर, जो नया पुल बना हुआ है वहाँ पे चलेंगे, वहाँ आप लोगों को दिखाएंगे पुल। देखिए पुल पे अभी हम पहुँच गए हैं। और ये पुल अभी नया बना है, कुछ दिन हुआ है। और पुल दिखाने के बाद आप लोगों को लेके चलेंगे पुल के नीचे, जहाँ पे तरबूज का खेती होता है, वो सारे चीज़ आप लोग को दिखाएंगे। जब तक देखिए हम लोग पुल के ऊपर पहुंच चुके हैं। अभी हम लोग गोपालगंज में हैं, और यहाँ देखिए एक पुल बना है गंडक नदी के ऊपर, जिसका उद्घाटन किए हैं श्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। गंडक नदी के ब्रिज के नीचे आ गए हैं, जो पुल बना है उसके नीचे आ गए हैं, और देखिए आप लोग किस तरीके से यहाँ पर पुल बना हुआ है। अब आप लोग को वहाँ लेके चलते हैं जहाँ तरबूज की खेती होता है, तो चलिए वहाँ चल कर आप लोग को दिखाते हैं कैसे खेती होता है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो आकर हमारा गाड़ी जो है फंस चुका है, अब इसके लिए क्रेन बुलाना पड़ेगा। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज आप सभी को दिखा रहा हूँ गंडक नदी में लालमी का खेती कैसे किया जाता है। देखिए यहाँ आप लोग को जितना व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, ये सब लालमी है, और यहाँ पे देखिए लालमी का खेती कैसे किया जाता है, देख रहे हैं आप लोग। अभी गोपालगंज गंडक नदी का हम लोग बीच में है, देखिए यहाँ ओवर ब्रिज है, आप लोग को दिख रहा है, और बीच में हम लोग आए हैं, नदी के बीच में हैं, और लाइव आप लोग को दिखा रहे हैं। देखिए तरबूज का खेती, लालमी जिसे बोला जाता है, देखिए। तो चलिए सारे चीज़ दिखाते हैं, यहाँ क्या क्या चीज़ का खेती हुआ है वो सब दिखाएंगे आपको, तो वीडियो में बने रहें। तो अभी देखिए आप लोग को जितना गोल गोल सा दिख रहा है, सारे तरबूज है, और तरबूज का खेती बहुत काफ़ी दूर में यहाँ पे होता है, मतलब कि आप एक दो किलोमीटर तक जाएंगे ना, तो आपको तरबूज ही तरबूज नज़र आएगा। तो देख लीजिए जितना भी आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है, सारे जितना वो मतलब गोल गोल सा दिख रहा है ना, सारे तरबूज है, और एक तरबूज यहाँ पर टूटा हुआ है, देखिए कितना मस्त लग रहा है। और खेत में आएंगे एक तरबूज खाएंगे, उसके बाद आपको खाने का मन नहीं करेगा, इतना ज़्यादा मतलब मीठा है, और अच्छा चुन के दे देते हैं यहाँ पे। यहाँ से सभी लोग देखिए यहाँ पे सभी तोड़ तोड़ के रखे हैं, अभी ट्रॉली ट्रैक्टर आएगा ना, इधर से ट्रॉली ट्रैक्टर आएगा, इसमें लोड करके मार्केट में ले जाके इसको बेचा जाएगा। यहीं से सारे मार्केट में सप्लाई होता है, गांव में जो भी बेचने वाले हैं यहाँ पे आते हैं, और यहीं से लेकर जाते हैं गांव में, घुमा के बेचते हैं, चाहे उनकी दुकान रहता है तो यहाँ पे रख के बेचते हैं,
तो सारे सप्लाई जो है यहीं से होता है। देखिए आप लोग कितना तरबूज रखा है, तोड़ तोड़ के एक लाइन से रखा है, देख रहे हैं आप लोग को तरबूज ही तरबूज नज़र आएगा। ये भाई तोड़ भी रहे हैं और इकट्ठा कर रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग नदी में आए हैं घूमने के लिए, जहाँ पे तरबूज का खेती होता है। वहाँ पे आए तो भाई ने एक तरबूज दिए, बोले सब लोग मिलके खा लीजिए। तो आप लोग भी आइए, हम लोग मिल के खाते हैं इसको। आप लोग को यहाँ एक चीज़ और दिखा देते हैं। देखिए तरबूज के साथ साथ यहाँ कोहरा यानी कद्दू भी यहाँ पे बोया गया है, देख रहे देख लीजिए। ये तरबूज के साथ साथ कद्दू का भी यहाँ पे खेती हुआ है। और देखिए जहाँ तक आप देख सकते हैं वहाँ तक एक जो है तरबूज का खेती हुआ है, देख लीजिए। देखिए तो दोस्तों अभी जो है हम लोग गोपालगंज के सबसे बड़ा नदी गंडक नदी में हैं, और यहाँ देखिए तरबूज का खेती आप लोगों को सारे दिखा दिए हैं। क्या क्या इसमें जो नदी में खेती होती है वो सारे चीज़ आप लोगों को दिखा दिए। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइए। अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम और मेहनत से वीडियो बनाएं। तो चलिए दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक्स, धन्यवाद, बाय बाय।